रहे थे कि उन्होंने तो कहानी को कुछ पता नहीं कुछ अलग ही बना दिया है. Having said that, जब मैंने कबीर सिंह भी की थी तो लोगों ने ये सवाल मेरे लिए उस टाइम थोड़ा ज़्यादा स्केरी था कि यार अगर ये लोग राइट हुए तो हमने तो गलत कर दिया टाइप्स. कि यू नो अर्जुन रेड्डी भी बहुत सारे हिंदी गोइंग ऑडियंस देख चुकी थी और वो अमेजोन पे थी बहुत सॉरी नेटफ्लिक्स पे थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको और यू नो सो लोगों ने कहा था कि यार ये तो देख चुके हैं लोग फिल्म. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ उतनी होती हैं यार, और जब आप एक नई फिल्म बनाते हो तो आपको उसको रीडिस्कवर करना होता है. कबीर सिंह ने जब हम लोगों ने बनाई थी तो हमने दिल्ली में बेस की, कैरेक्टर को थोड़ा सा वो पंजाबी एटीट्यूड दिया और वर्ल्ड अलग क्रिएट किया हमने. DU की एक अलग एक वाइब है तो हमने वो क्रिएट की, और फिर बॉम्बे का एटमोसफियर, बॉम्बे में डॉक्टर है. इस फिल्म में हम लोग थोड़ा और यू नो हार्डकोर पंजाब हार्टलैंड के अंदर गए हैं. फिल्म हमने चंडीगढ़ में बेस की है और फिल्म में प्रॉपर पंजाबी भी बोली जा रही है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमने सिर्फ हिंदी में रखा है. समझ सकते हैं आप, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन बहुत प्योर लैंग्वेज को यूज़ किया है. और जो वर्ल्ड क्रिएट किया है हमने इस फिल्म के लिए वो ओरिजिनल फिल्म से बहुत अलग है. तो आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है. मोहाली स्टेडियम का बैकड्रॉप हमने यूज़ किया है. इनफैक्ट लड़की उसमें तेलुगु है, विद्या का कैरेक्टर, वो तेलुगु कैरेक्टर प्ले कर रही है. मैं पंजाबी लड़का हूँ और कॉलेज में हमें प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद शादी के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है. तो मुझे इस चीज़ से कभी डर नहीं लगता. मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे और कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसको एक फ्रेश नज़रिए से बनाएंगे तो ऑडियंस उसको बहुत फ्रेश वे में अब्सॉर्ब करती है. और ऑडियंस भी बहुत अलग है. यू नो जो लोग डब्ड हिंदी फिल्में यूट्यूब पर देखते हैं वो ऑडियंस थिएटर में शायद नहीं आती एक्चुअली. ये बहुत अलग, बहुत इस पर रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं. जब कबीर सिंह की हमने रिलीज़ की तो यू नो इट डिड सो वेल, देयर वर इनफ पीपल. कई ऐसे लोग थे जिनको ओरिजिनल फिल्म अच्छी लगी थी तो क्रिटिकली देखना चाहते थे कि अब हम इनकी बैंड बजाएंगे कि हमारे तो अच्छी खराब कर क्यों बनाई ये पिक्चर, यू नो. फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना था फिल्म के बारे में कि यार ये फिल्म है और अच्छा अब ये हिंदी में बन रही है तो देखते हैं. कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना ही नहीं था तो उनको लगा कि एक फ्रेश फिल्म है. तो यू नो दीज थिंग्स डोंट मैटर सो मच. फिल्म अच्छी होनी चाहिए और ये बहुत इमोशनल फिल्म है. इस फिल्म का दिल बहुत बड़ा है और जो ये कहती है, एक्चुअली मैंने जब ये ओरिजिनल फिल्म देखी मुझे लगा ये कहानी मैं नॉर्थ इंडियन ऑडियंस तक पहुँचाना चाहता हूँ क्योंकि कहानी ही इस फिल्म का हीरो है. यू नो और जो इमोशंस हैं इस फिल्म के वो हम सब के लिए यूनिवर्सल इमोशंस हैं. फैमिली का, डॉग का इमोशन है जो अपने 20s में लाइफ में कुछ कर नहीं पाया तो उसके अंदर की आग जो है चाहता है वो कि 30s में वो कुछ करे अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने बेटी के सामने यू नो लोग बेटा उसको इज्जत से देखे, प्यार से देखे. तो आई थिंक ये बहुत यूनिवर्सल फिल्म है और हमने कोशिश की है फ्रेश बनाने की. और जितने भी लोगों ने यूट्यूब पर देखी है वो एडिट अलग था ब्रो, वो फिल्म चेंज कर दी है, ये वाली आके देख लो ये अलग है. My question is that your film Jersey, it's clashing with two films, KGF2 and Beast. So why do you think none of the filmmakers, they try to avoid the clash? Yes sir, but 20 times I've answered it. Now you want me to answer it in a fresh way the 21st time. Your question is why do people not try to avoid the clash? Yeah, why did the filmmakers, they did not avoid For the last many years, you know, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में साथ में रिलीज हुई हैं, starting with Lagaan and Gadar, which came out on the same day. मैम ये बिजनेस कॉल होता है क्योंकि थिएटर के अंदर स्क्रीन्स बहुत हैं और छुट्टियों पे ऑडियंस ज़्यादा आती है थिएटर्स में और लॉन्ग वीकेंड होता है, लोगों के पास टाइम होता है थिएटर जाने का. सो एवरी बिग फिल्म वांट्स टू रिलीज ड्यूरिंग अ हॉलीडे और दो तीन बड़ी फिल्में हॉलीडेज पर यूजली आती हैं और चलती हैं. सो देयर इज नो इशू विद दैट. इवेंचुअली इट्स अबाउट व्हिच इज़ द गुड फिल्म और किस फिल्म की कौन सी ऑडियंस है और क्या वो फिल्म देखना चाहती है. तो आई थिंक हमारी फिल्म की जो ऑडियंस है वो फैमिली ऑडियंस है और मेरी पिछली फिल्म फैमिली फिल्म थी नहीं लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज ने देखी थी, ये मैंने दिल से फैमिली के लिए बनाई है. और ये नॉर्थ इंडियन फिल्म है और बहुत यू नो रिलेटेबल कहानी है और जो बाकी फिल्में हैं उनका जॉनर अलग है, वो अलग तरह की फिल्में हैं. तो यू नो एक्शन हीरो की भी जगह है और कॉमन मैन की भी जगह है. वो कहते हैं ना दैट नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, तो ये कॉमन मैन की कहानी है और बाकी फिल्में जो है वो यू नो बिग एक्शन फिल्म्स हैं. आई थिंक ऑडियंस काफ़ी अलग है सब फिल्मों में. हाय शाहिद, शाहिद
than box office success. Like, whether I believe it or not, it exists, right? Yeah, so I have to respect what exists. Success. It was a mega success. Do you believe in that box office success? Believe in it means it's there only. Now, what is there not to believe in? Hi, Shahi. What's up, Rahul Jain from Namkar Channel? शाहिद जी, मेरा आपसे सवाल है. आपकी जिस दिन फिल्म रिलीज हो रही है, महावीर जयंती का भी एक पर्व मनाया जा रहा है जी जरूर पूरे देश में, और महावीर अंबेडकर जयंती भी है, महावीर जयंती भी है जी. आई थिंक गुड फ्राइडे तो अगले दिन आता है. आई थिंक कुछ बैसाखी भी है जी. उन्होंने सारी छुट्टियां उसी दिन है, इसलिए हम आ गए. महावीर भगवान ने ये संदेश दिया है पूरी दुनिया में कि जियो और जीने दो. और आज की डेट में हम सब जानते हैं कि एक पीसी एक ऐसी चीज है जो डेवलप कर सकते हैं हर कोई अपनी कंट्री को. रशिया यूक्रेन के बारे में हम जानते हैं. मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छा विश्लेषण दे रहे हैं. आप यहाँ आइए, गद्दी पे बैठिए, मैं वहाँ जाके सुनता हूँ. बस आप ये बताइए करते हैं जर्नी. राहुल हो गया सवाल. First of all, hello. So first of all, I'm your fan बचपन से, and I you have no idea how. तभी एक लाइन में मुझे बुढ़ा बना दिया. बचपन से I'm your fan. But tell me, you have no idea कि मतलब मेरे लिए it's like a dream come true. But anyway, again back to the journalism mode. So so basically, you are someone who always focus, as you already said, that who always focus on the storyline more than who is going to be there. ये महावीर अंकल को दे दो ना कैमरा, आपके सवाल के साथ वैसे हिले जा रहे हैं. अंकल पकड़ेंगे बहुत अच्छे से. जो ऐसे बैठे हैं वो अभी मार के ना एकदम स्टैटिक एकदम. So you're always about what exactly your story is going to be, right? And this is anyway your film after 3 years. And the last film thi aapki, that was a blockbuster, right? So transformation, if we talk about your transformation for this film, because this is something which you have never done before, right? So if you'll have to talk about your transformation physically as well as mentally, then what will you tell us about the role? So yeah, how exactly you transformed for this role? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. माय नेम इज सलोनी. से हाय. माय नेम इज सलोनी. मेरे साथ चलो नी. प्लीज एक पिक्चर लेंगे. प्लीज. उसने सवाल पूछा यार, मैं छोटा सा जवाब, बहुत बड़ा सवाल तो मैं छोटा सा जवाब दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम प्लेइंग अ फादर इन दिस फिल्म. मैंने आज से पहले कभी आई नेवर प्लेड अ फादर. इनफैक्ट मेरी पिछली फिल्म में मैं कॉलेज बॉय बना हुआ था, और इस फिल्म में अब मैं फादर बन गया हूँ. तो पता नहीं व्हाट्स रॉन्ग विद मी, बट मुझे ऐसे चैलेंजिंग चेंजेस करना अच्छा लगता है. और फिल्म में मैं एक क्रिकेटर हूँ, तो क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ी. और देर आर टू पोर्शंस फॉर मी एंड मृणाल फॉर अर्जुन एंड विद्या. एक यंग कॉलेज पोर्शन है और एक ओल्डर पोर्शन है. ज़्यादातर कहानी इज़ अबाउट द मैरिड कपल. और कहना बहुत मुश्किल है, कबीर सिंह बहुत